अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स के स्टूडेंट्स, हम 10th क्लास के बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 4 दैट इज स्पोर्ट एंड मूवमेंट उसको डिस्कस कर रहे थे। हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में मसल्स एंड मूवमेंट को डिटेल से डिस्कस किया। मसल्स क्या होते हैं, किस तरह से मूव करते हैं, इसमें हमने स्पेशली आर्म के मूवमेंट को पढ़ा कि आर्म में कौन कौन से मसल्स होते हैं, बाइसेप्स क्या होते हैं, ट्राइसेप्स क्या होते हैं और किस तरह से कॉन्ट्रैक्शन करते हैं, किस तरह से रिलैक्सेशन करते हैं और आर्म की मूवमेंट प्रोड्यूस होती है। ओके, ये सारी चीज़ें हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में पढ़ी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उस वीडियो का लिंक ऊपर आई के बटन पर शो हो रहा है, वहाँ पर जाकर वीडियो को देख सकते हैं। आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं, दैट इज डिसऑर्डर्स ऑफ स्केलेटल सिस्टम। आज हम स्केलेटल सिस्टम के डिसऑर्डर्स पढ़ेंगे कि स्केलेटल सिस्टम को कौन कौन सी डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, कौन कौन सी डिजीजेस जो है उनको हो सकती हैं। इसमें हम 2 डिजीजेस को पढ़ेंगे। सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस क्या है? इट इज द बोन डिजीज इन एडल्ट्स स्पेशली इन ओल्ड पीपल, कॉमन इन ओल्ड वुमेन। क्या है ये? हड्डियों की एक डिजीज है जो कि बूढ़े लोगों में ज्यादातर होती है, मोस्टली जो है ओल्ड वुमेन में होती है, कि जो औरतें होती हैं उनमें यह ज्यादा ऑस्टियोपोरोसिस की डिजीज होती है। अगर इसकी डेफिनेशन अगर हम देखें कि ऑस्टियोपोरोसिस की डेफिनेशन क्या होती है, तो इट इज द डिक्रीज इन द डेंसिटी ऑफ बोन्स ड्यू टू लॉस ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस। ठीक है, कि जब बोन्स में से कैल्शियम और फॉस्फोरस की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से जो बोन्स की डेंसिटी मतलब उसके वेट में कमी आ जाती है, बोन्स वीक हो जाती हैं, थिन हो जाती हैं, तो उस कंडीशन को हम क्या कहेंगे? ऑस्टियोपोरोसिस। इसके बाद अगर हम कॉजेज ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस को देखें कि ऑस्टियोपोरोसिस क्यों होती है, इसमें हम सबसे पहले देखते हैं ड्यू टू माल न्यूट्रिशन। माल न्यूट्रिशन क्या है? कि ऐसी डाइट लेना जिसमें इम्प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स हो, या कि मतलब कि प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स ना हो, प्रॉपरली मिल्क की प्रोडक्शन में, या कह लें कि प्रॉपर मिल्क नहीं हम पी रहे, या प्रॉपर फ्रूट्स का यूज नहीं कर रहे, वेजिटेबल्स का यूज नहीं कर रहे, तो ऐसी डाइट ले रहे हैं जिससे हम न्यूट्रिशंस ना मिले, कम न्यूट्रिशंस मिले, तो उस कंडीशन को हम कहते हैं माल न्यूट्रिशन। तो जब हमारी न्यूट्रिएंट्स जो है हमारी बॉडी के पूरे नहीं होते, तब भी ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है। ड्यू टू लैक ऑफ प्रोटीन्स, लैक ऑफ विटामिन सी, लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज, डेफिशिएंसी ऑफ एस्ट्रोजन हार्मोन जो कि फीमेल्स में होता है, इन ओल्ड एज देयर इज अ डिक्रीज्ड सेक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन विच लीड्स टू डिक्रीज डेपोजिशन ऑफ मिनरल्स इन बोन मैट्रिक्स। के जब इंसान बूढ़ा होना शुरू हो जाता है तो ग्रोथ हार्मोन की प्रोडक्शन में कमी आ जाती है, तो जब उस हार्मोन की प्रोडक्शन में कमी आ जाती है तो बोन्स के अंदर मिनरल्स की डेपोजिशन नहीं होती, तो इसकी वजह से डिजीज होती है, दैट इज ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस के बाद हम सेकेंड डिजीज इसमें पढ़ेंगे, दैट इज एरिथ्राइटिस। एरिथ्राइटिस क्या है? एरिथ्राइटिस मींस इन्फ्लेमेशन ऑफ ज्वाइंट्स। के जब ज्वाइंट्स इन्फ्लेमेशन आ जाए, ज्वाइंट्स के अंदर वो उसमें स्वेलिंग आ जाए, तो उस कंडीशन को क्या कहेंगे? एरिथ्राइटिस। इसको हम जोड़ों का दर्द भी कह सकते हैं। इट इज कॉमन इन ओल्ड एज मोस्टली वुमेन्स, करेक्टराइज्ड बाय पेन एंड स्टिफनेस इन ज्वाइंट्स। के ज्वाइंट में तनाव आ जाता है, खिंचाव आ जाता है, उसमें पेन हो जाती है। उसके बाद है ट्रीटमेंट ऑफ एरिथ्राइटिस। एरिथ्राइटिस को किस तरह से ट्रीट किया जा सकता है? इट इंक्लूड्स पेन किलर एंड एंटी इन्फ्लामेटरी मेडिसिन। पेन किलर लेंगे या एंटी इन्फ्लामेटरी के वो मेडिसिन लेंगे जो कि इन्फ्लामेशन को स्टॉप करती हैं, उनको प्रोटेक्ट करती हैं, प्रिवेंट करती हैं। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ते हैं इसमें टाइप्स ऑफ एरिथ्राइटिस। एरिथ्राइटिस के कितने टाइप्स हैं, तो हम यहाँ पे इसकी 3 टाइप्स को पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं ऑस्टियोएरिथ्राइटिस। ऑस्टियोएरिथ्राइटिस क्या है? इट इज ड्यू टू डीजनरेशन इन द कार्टिलेज प्रेजेंट एट ज्वाइंट्स और ड्यू टू डिक्रीज लुब्रिकेंट प्रोडक्शन एट ज्वाइंट्स। के जो कार्टिलेज होता है ज्वाइंट्स के ऊपर, ठीक है, कार्टिलेज क्या है? सॉफ्ट बोन है जो दो ज्वाइंट्स को आपस में जो है कनेक्ट करने में हेल्प करती है। तो जब ज्वाइंट्स के ऊपर कार्टिलेज की प्रोडक्शन में डीजनरेट आ जाए, मतलब कि कार्टिलेज की प्रोडक्शन सही तरह से ना हो, डीजनरेशन आ जाए, तोड़ फोड़ शुरू हो जाए, या तो इस वजह से भी ऑस्टियोआर्थराइटिस हो सकता है, या जो बोन्स के ऊपर ज्वाइंट्स के ऊपर लुब्रिकेंट होता है, मतलब कि जिनको रगड़ से फ्रिक्शन से बचाता है, वो प्रोडक्शन उसकी प्रोडक्शन प्रॉपरली ना हो, तो उसकी वजह से भी ऑस्टियोआर्थराइटिस हो सकता है। फ्यूजन ऑफ बोन्स एट एंड मेनी ज्वाइंट्स में अकर एंड ज्वाइंट्स में बिकम टोटली इमूवेबल। फ्यूजन ऑफ बोन्स मतलब कि जो जोड़ है वहां पे आप देखो कि बोन्स मूव करती हैं, लेकिन ऑस्टियोआर्थराइटिस के केस में क्या होता है, बोन्स एक दूसरे के साथ फ्यूज कर जाती हैं, जुड़ जाती हैं, और ज्वाइंट्स जो हमारे इमूवेबल हो जाते हैं, मूव नहीं कर सकते। सेकेंड एरिथ्राइटिस हम इसमें पढ़ेंगे, दैट इज रूमेटॉइड एरिथ्राइटिस।
इट इन्वॉल्व्स इन्फ्लेमेशन ऑफ द मेम्ब्रेन्स एट जॉइंट्स, के जॉइंट्स के ऊपर जो बारीक मेम्ब्रेन्स होती है, थिन मेम्ब्रेन्स होते हैं, जब उनमें इन्फ्लेमेशन आ जाए, स्वेलिंग आ जाए, तो उसको हम क्या कहेंगे, रिमाटाइड एरिथ्राइटिस। सिम्टम्स इंक्लूड फटीक, मोटापा हो सकता है, लो ग्रेड फीवर हो सकता है, पेन हो सकती है, और स्टिफनेस इन जॉइंट्स, के सारे क्या है, रिमाटाइड एरिथ्राइटिस की सिम्टम्स है। लास्ट पेयर थ्री हम एरिथ्राइटिस में पढ़ेंगे, दैट इज गाउटी एरिथ्राइटिस, एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिक एसिड इन मूवेबल ज्वाइंट्स, के जब ज्वाइंट्स में यूरिक एसिड एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाए, जमा होना शुरू हो जाए, तो उस कंडीशन को हम क्या कहेंगे, गाउटी एरिथ्राइटिस, इसको गाउट भी कह सकते हैं। जनरली अटैक्स टो ज्वाइंट, टो मतलब जो हमारे अंगूठे के जो जोड़ होते हैं उनको ये ज्यादातर अफेक्ट करते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे तीन एरिथ्राइटिस की टाइप्स पढ़ी, जिसमें हमने ऑस्टियो एरिथ्राइटिस पढ़ा, रियोमाटाइड एरिथ्राइटिस पढ़ा, और लास्ट में हमने गाउटी एरिथ्राइटिस पढ़ा। ठीक है, तो ये तो हमारा चैप्टर नंबर फोर स्पोर्ट एंड मूवमेंट का लास्ट टॉपिक, आज हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, आज हमने इस चैप्टर के जो है लास्ट टॉपिक भी कंप्लीट कर लिया। आई होप आपने चैप्टर अच्छे से समझ लिया होगा। अगर आपको इस चैप्टर में कोई भी कंफ्यूजन है, किसी चीज की समझ नहीं आई, तो मैं ऊपर आई के बटन पे इसकी प्लेलिस्ट शो करी है, वहां पे जाके इस पूरे चैप्टर में से कोई भी हेडिंग, कोई भी टॉपिक आप इसको अंडरस्टैंड कर सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था हमारा आज का छोटा सा टॉपिक, आई होप आपने यहाँ तक आज की वीडियो अच्छे से देखी होगी। अगर आपको इस वीडियो में कोई भी कंफ्यूजन हो, किस चीज की समझ ना आए, तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करें, इससे आपको मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले देखने को मिले। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।